नमस्कार मधव न्यूज लाइव में आपनु स्वागत छे। हूं छु कुंज। महत्वना समाचारों थी बुलेटिन नी शुरुआत करी। अमित शाह बंगाळना प्रवासे छे। प्रवासनो बीजो दिवस छे ने हुंकार कर्यो छे, नरेन्द्र मोदी ने एक तक आपो। बंगाळ ने सोनार बांग्ला बनावी दे छे। अरे बोलो ना, सुनाई पड़ता है मुझे। सर वो जो जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद में जो तीन आपी आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ये कहा गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसके सपोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल अदर सारे लोग इसके सपोर्ट में भी बोले हैं और आज भी ममता बनर्जी किसी लीडर से बात भी किया है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है और उन्होंने नियम को कोट करकर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। ममता बनर्जी बार बार चुनौती दे रही हैं आपको कि आप लोग अगर हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में? शायद वो सिंपथी गेन करने के लिए कह रही है, आप इस पचड़े में मत पड़िए। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला होता है, गंभीर प्रकार की बात होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शासन के फैसले नहीं होते। बताइए। माय क्वेश्चन इज, बंगाल इज अ बॉर्डरिंग स्टेट एंड सीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू हियर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लीगल एज वेल एज इलीगल माइग्रेंट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हेन विल द सीए रूल्स विल बी फ्रेम्ड? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सर, योर फेमस टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, सीएए एंड देन अ नेशनवाइड एनआरसी। मैं बता देता हूँ, अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना पहले क्रोनोलॉजी में, पहला तो समाप्त होने दीजिए। एक मिनट भैया बोलो, सुनाई पड़ता है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के में है या तो आएंगे, कोई कार्यकर्ता कानून के ऊपर नहीं है, सबके साथ समान रूप से कानून का व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से कानून के मर्यादा के कोई ऊपर नहीं उठता है, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस में सवाल नेतृत्व के अप्रोच का है। मैं मानता हूं सबके भतीजे राजनीति में नहीं है। ममता बनर्जी पर परिवारवाद नो आक्षेप लगाव्यो छे, कह्युं दीदीनी सरकार जवानी छे, अमित शाह नो हुंकार। नरेन्द्र मोदी ने एक तक आपो, तम जणाव्युं छे। बंगाळ ने सुनार बांग्ला बनावी देशे।